को कहा, उनके बारे में सोच रहा हूँ। दोस्त, सिर्फ सोचो नहीं, उसे अमल में लाओ। जीवन अमूल्य है, जितना काम जरूरी है उतना ही सुरक्षित तरह से उसे करना भी जरूरी है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर आप पिछली बार जो साइट को सुरक्षित रखने की बात कर रहे थे उसके बारे में भी बताइए। देखो, ये तो आप समझ गए हैं कि जरूरी है कि आप सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें। साथ ही ये भी जरूरी है कि आप जिन इक्विपमेंट्स के साथ काम करो वो भी ठीक हो। हाँ हाँ, बिल्कुल जरूरी है। इसलिए आपको उनकी सेफ्टी की भी देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि जब वो सुरक्षित होंगे तभी आप और आसपास के लोग भी सुरक्षित होंगे। अच्छा, इसीलिए आइए जानते हैं कि आपको किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। साइट के सभी इक्विपमेंट्स सही रेटिंग के MCB से कनेक्टेड हों। हमेशा टूल का चुनाव काम के अनुसार करें। अपने पास साइट के अनुसार मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखें। ये आपके मेंटेनेंस करने में काम आएगा। मेंटेनेंस करने से पहले चेक करें कि DG बंद हो और मैनुअल मोड में हो। DG में कभी भी फ्यूल नहीं भराएं जब वो ऑन हो। DG और फ्यूल टैंक के पास खड़े होकर धूम्रपान नहीं करें, खासकर जब आप डीजल भर रहे हो। DG बैटरी बैंक के पास चिंगारी या आग नहीं लगने दें, खासकर जब वो चार्ज हो रहे हो। चेक करें कि DG बैटरी के दोबारा जुड़ाव में सही पोलैरिटी ही आपस में जुड़े हो। चेक करें कि DG का इमरजेंसी स्टॉप बटन काम कर रहा हो। चेक करें कि सभी इक्विपमेंट्स की अर्थिंग ठीक से हो। निश्चित करें कि कम से कम एक लाइटनिंग अरेस्टर GI व कॉपर स्ट्रिप से अर्थ पिट से जुड़ा हो। देखें कि DG अर्थिंग, बॉडी और न्यूट्रल के लिए अलग अलग हो। चेक करें कि इनकमिंग स्विच या MCB ISI मार्क्ड हो और सही रेटिंग के हो और कहीं कोई बाईपास ना हो। शेल्टर के बाहर स्विच पर बारिश से बचाव के लिए व्यवस्था रखें। देखें कि किसी वायर, MCB, बैटरी सेल या किसी और इक्विपमेंट पर हीटिंग नहीं हो रही हो। निश्चित करें कि सभी डोर्स और लॉक्स ठीक से काम कर रहे हों। चेक करें कि साइट पर लगे इक्विपमेंट्स और सिविल फाउंडेशन पर जंग, क्रैक या खराब होने के निशान नहीं हों। साइट विजिट में फायर एक्सटिंग्विशर के प्रेशर को भी चेक करें। प्रेशर गेज ग्रीन बैंड में होना चाहिए। अगर पॉइंटर रेड बैंड में हो तो एक्सटिंग्विशर रिफिल करवाएं। साथ में फायर एक्सटिंग्विशर की एक्सपायरी डेट भी चेक कीजिए। इसके साथ आपको कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो कि आप अपने टैबलेट में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, ये जानकारी मेरी सुरक्षा के साथ मेरे साथ काम करने वालों की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, आपको कोई भी काम करने से पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या उस काम के बारे में आपको पूरी जानकारी और ट्रेनिंग है और क्या वो काम आपको करना है या करवाना है। ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।